سبحان الله وبحمده ربا العظيم سبحان الله وبحمده ربا العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه ينفع انظم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحابه وبارك وسلم اما अल्लाह सुभान तआला का निज़ाम है कि जब किसी इंसान को कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी लगने को हो या लग जाए तो अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि उसकी कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। उस निशानी से इंसान को पता लग जाता है कि मुझे भाई फलां बीमारी होने वाली है। मिसाल आप ये ख़ास की मामले में ज़्यादा ज़ुकाम ले लें, आप ज़ुकाम हुआ तो छींक आएगी सबसे पहले, या जिस्म टूटेगा, या वो किस तरीके से पता लग जाता है आदमी। अल्लाह निज़ाम में ऐसे रखा है। तो इसी तरह बड़ी बीमारी भी हैं, छोटी बीमारी हैं, जिस्म से ताल्लुक रखती हैं, तो आदमी उस बीमारी को पहचान जाता है कि भाई मैं बीमार होने वाला हूँ। लाजमन अक्लमंद इंसान के फौरन ध्यान करता है उस बीमारी की तरफ, कोशिश करता है कि चलो इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए इलाज किया जाए। जो सिस्टम है डॉक्टर के पास, हकीम के पास, किसी तरह आदमी जाकर उसका इलाज शुरू करा देता है। ज़िंदगी सेहत तो अल्लाह के अख्तियार में है, लेकिन असबाब अख्तियार करता है। इसी तरह अल्लाह ने निज़ाम रखा है, इंसान जो है दो चीज़ों का अज्जा है, दो चीज़ों से बनाए अल्लाह तआला ने, जिस्म भी है और रूह भी इंसान की है। बिल्कुल सेम सिस्टम अल्लाह पाक ने रूह के साथ रखते हैं। रूह को भूख भी लगती है, रूह बीमार भी होती है, मैंने बहुत सिमिलर चीज़ें हैं जिस्म में इंसान की रूह के अंदर। आप माने ना माने, लेकिन है ये हकीकत, चलता ऐसे है। तो रूह की तरफ हम तवज्जो कम देते हैं, यही सबसे बड़ी हमारी हिमाकत है और बेवकूफ़ी है। हालांकि देखा जाए तो रूह बहुत ज़रूरी है जिस्म के मुकाबले में। वो जिस्म भी है, जिस्म भी सही होना चाहिए, लेकिन रूह ज़्यादा है। तो अल्लाह पाक ने जैसे रूह का इंतज़ाम किया, जिस्म का इंतज़ाम किया, अल्लाह पाक ने रूह का भी इंतज़ाम किया। अब क्या फ़र्क है कि जब वो निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं रूह पर, तो हम परवाह नहीं करते, तवज्जो नहीं करते। हालांकि आप सोचें कि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं सिलसिले में कि जिस्म और रूह में इतना फ़र्क है कि जितना हम परेशान हो जाते हैं और एहतियात अख्तियार करते हैं जिस्म को संभालने के लिए, बनाने के लिए दवाई खाते हैं,
इतना रूह की तरफ हम तवज्जो नहीं करते। हालांकि अगर जिस्म बीमार भी हो गया, कमज़ोर भी हो गया, छींक भी आ गई, नज़ला भी लग गया, चलो कितनी बड़ी बीमारी होगी, एंड क्या होगा, इंसान की जान ही जाएगी ना। लेकिन बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि भाई देखो, जिस्म बीमार होता तो जान ही जाती है, लेकिन जब रूह बीमार होती है तो इंसान का ईमान जाता है। जिस्म से जान का खतरा है और रूह से ईमान का खतरा है। अब कितनी अजीब बात है कि हम जान को तो बचाएं और ईमान को ना बचाएं। आप सोचिए ये शैतान की कितनी बड़ी चाल है हमारे साथ कि ये जो असल चीज़ है ईमान, अल्लाह अकबर, ईमान ही पे तो सारा कुछ है हमारा मामला, ईमान से चलता है। आप देखें, ईमान ना हो तो कोई अमल हमारा कबूल हो, अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई हैसियत हो, कुछ भी कर लें आप, ईमान के बगैर तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्कुल भाई कुछ नहीं। और जब ईमान के बारे में इंसान इतना कमज़ोर हो जाए, उसकी थिंकिंग वीक हो जाए, बस फिर समझेंगे अल्लाह उस बंदों से बहुत नाराज़ हो जाता है। जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने हमें ईमान दी है, सबसे बड़ी नेमत है ईमान। और देखें आप, ईमानी पर अल्लाह शुक्र और नाशुक्र को देखता है, अल्लाह की नेमत पर इंसान शुक्र और नाशुक्र बनता है। तो जो इतनी बड़ी कीमत अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है ईमान, उस पर हम शुक्र ना करें तो कैसे अल्लाह के दरबार में शुक्रगुजार बंदे रखे जाएंगे। जिस्म से ज़्यादा तो हज़ार गुना हमारी फिक्र ईमान की होनी चाहिए। बस मामला यह है कि अल्लाह की हिकमत पर मबनी है सारी बातें। अक्सर हम सुनते हैं हमारे माशाल्लाह तबलीगी भाई इसी सिलसिले में बड़ी बातें करते हैं, आप सुनते हैं उनके बयानात के अंदर चीज़ की, उस चीज़ पर हमेशा कहते हैं कि ईमान की हम कदर नहीं करते, इसलिए कि ईमान आसानी से मिल गया हमें। ख़ास उनकी गुफ्तगू के अंदर ये बात होती है ईमान के सिलसिले में। वाकई वजह यही है, बस पैदा हुए, कान में अजान होगी, बड़े हो गए, मुसलमान कहलाने लगे, इतनी बड़ी दौलत, जैसे एक बच्चा ना वारिस हो उसका बहुत बड़ी कोठियाँ मकान छोड़ जाए उसके लिए, वो पैदा हो बस वो करे उसको तो ये तुम्हारा मकान, ये तुम्हारी कोठियाँ, ये सब तुम्हारा है, वो तो पैदा हो गए मिल गया, उसको क्या पता कि मेरे बाप ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी उस पर उसने जद्दोजहद की होगी, कितना उसने बेचारे पापड़ पेड़े होंगे इस चीज़ के लेने के लिए, उसको क्या एहसास इस चीज़ का। इसी ईमान को देखें आप, सहाबा कराम की तो बड़ी मिसाल है। मैं एक दफ़ा सफ़र कर रहा था, जो कोई 60 साल पुरानी बात होगी, तो ये मैं वो मुशाहदात आपको बता रहा हूँ कि हमारे हाल देखें ईमान के साथ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप तो नेक इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह, कि क्या मैं क्या कदर करता हूँ इस ईमान की। तो वहाँ ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा, वहाँ उन लोगों की हुकूमत के ज़माने में जो यकीन नहीं करते ना अल्लाह पर ना अल्लाह के रसूल पर, कोई यकीन नहीं है, ऐसे लोग दुनिया में तो है ना, उनकी हुकूमत इस मुल्क पर गालिब थे। तो वहाँ से मैं गुजर रहा था, ये इसी सदी की बात करूँ, सहाबा ग्राम की तो मिसालें बहुत बड़ी हैं। तो ऐसे किस्से सुने कि यकीन करें कि रोना तो बहुत बड़ी था, मेरे जिस्म के रूए तो वो ही खड़े हो गए। कहते हैं जी कि हम मुसलमान थे, कहीं से मुसलमान नज़र नहीं आ रहे। कहते हैं हमारे साथ वो वक्त है, गुजार रहे हैं, गुजरा है कि सिर्फ हम पर जासूसी की जाती है कि कोई आदमी कहीं नमाज तो नहीं पढ़ रहा। नमाज तो बड़ी बात है, कान लगा के सुनते हैं कि किसी घर से अल्लाह की आवाज़ तो नहीं आ रही। और रो के उन्होंने कहा कि जी मुश्किल से एक सफ़ा कुरान का हमारे पास होता है, जो हम चुपके चुपके लोगों में तकसीम करते हैं उस कुरान को पढ़ने के लिए। आप देखें हमारे शर्फ देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पढ़े कुरानों से, खामोश बैठे हैं, पढ़ते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस कदर हम जिस्म के साथ काम करते हैं, बताएं ईमान के लिए हमने कितना कमज़ोरी है, तो सोचिए आप। तो उनको कदर थी ईमान की, अल्लाह ने उनको इस मुश्किल में डाला, उसकी हिकमतें उनको इनाम देने के लिए। हम कंपेयर करें कि हमारे ईमान के साथ क्या ताल्लुक है, हमें ईमान की बीमारियों की कदर नहीं, बीमार होता है होगा सीखता से ईमान की, ईमान ही जाएगा ना, क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों दिल की बीमारी को देखें सोचें, कोई कदर ही नहीं इस चीज़ की।
कंपेयर आप करें जिस्म की बीमारी के साथ, उसके साथ ज़मीन आसमान का हमें फ़र्क नज़र आता है। एक और सफ़र पर था मैं, बहुत उसी पुराने ज़माने की बातें कर रहा हूँ, 60 साल अफ्रीका के सफ़र पर था, तो चलते चलते एक ऐसे गांव में पहुंचा मैं, साथी ले गया मुझे, रात का वक्त था, आज भी वो सीन जो है ना मेरी आंखों के सामने है, मैं कभी भूलता नहीं तो मैं आप भूल भी नहीं सकता वो बात कैसे भूले आ रहे। जी बहुत सफ़र करते करते पहुंचे, गांव था, रात के वक्त पहुंचे, सन्नाटा, और मुझे याद है कि 14वीं का रात थी, पूरा गांव सारे काले ब्लैक्स थे, तो वहाँ उनको पता कि भाई कोई मुसलमान आया आदमी, मेरे साथ 3-4 आदमी भी थे। सुभानअल्लाह, वो सीन देखा मैंने, वो सीन देखा कि मैं कोई भूल नहीं सकता। इतने बेतहाशा लोग घरों से निकले, औरतें बच्चे मर्द, देखने के लिए कि मुसलमान आ गए कोई हमारे घर, ऐसा लगा ये दुनिया है भैया। अफ्रीका शहर की बात बता रहा हूँ, तो मैं बैठ गया, वो बेचारे अंग्रेजी तो नहीं समझते थे, खैर हमारे साथ था जो बोलने वाला कोई आदमी था, तो मैंने उनके साथ बात शुरू की। बस इतना खुशी का इजहार था वहाँ, जैसे कि कोई ऐसी खुशी होगी उनके लिए कि तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई मुसलमान आया है, हमें कोई दीन की बात बता रहा है, तरसे हुए पता ही कुछ नहीं। फिर हमें जो कुछ समझदार लोग थे बेचारे, थोड़े बहुत जानते थे शायद कुछ उनकी कम्युनिटी में, वो आलिम कहलाते होंगे बेचारे, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास तो ये मामला है कि ये हमारे पास 2 सिपाही हैं, आप उनकी हालत देखें, बिल्कुल बहुत सीधा कहते, ये भी हम एक एक करके तकसीम करके, हमारी बारी बहुत मुश्किल से आती, हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं बेचारों। बहरहाल बहुत दर्दनाक बातें बताई, इतनी शर्मिंदगी हुई कि अल्लाह ने हमें कैसी आसाइशें दी हैं, जिस जिस्म को हम पाल रहे हैं, जिस जिस्म को हम पाल, बड़ी यकीन की बात देखिए, जिस जिस्म को हम पाल रहे हैं, कितनी देर लगेगी ज़मीन फटने की उसको, कितनी देर लगेगी वो जाए, जब हम ज़मीन के अंदर जाएंगे जब वो जिस्म फटेगा, आंतें बाहर निकलेंगी, हाथ तकसीम हो जाएंगे, मुँह बिगड़ जाएंगी, आँखें निकल चुकी होंगी। एक दफ़ा कब्रिस्तान से गुजरा तो कब्र के साथ दुआ मांगने खड़ा हुआ, तो मैंने गौर से देखा तो 2 हड्डियां कब्र से बाहर निकली हुई थी, मेरे खाली में हाथ की मुझे लगती थी। ये तो इंसान है भाई, इस जिस्म को पालने इतनी फिक्र करते हैं, सोचिए काम क्या आएगा कि अगर हमने अपने दिल की बीमारियों पर काबू कर लिया, खुदा की कसम ये दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत बन जाएगी, कमी नहीं। फिर तो खौफ़ अल्लाह बोला यज़नून, कुरान कहता है गम नहीं होगा लोगों को, फिक्र ही नहीं होगा किसी चीज़ का भी। ये सब मुसीबत ये है कि हम जिस्म की तरफ बहुत ध्यान है, हमारा रूह की तरफ ध्यान नहीं। देखें जिक्र भी करना है, थोड़ी सी बात आपसे अर्ज कर दूँ, अल्लाह पाक मुझे भी समझ अता फरमाया, जो हजार सुन रहे हैं यहाँ पर यह बात, भाई गौर से सुनिए बात, क्योंकि तकरीर नहीं मैं कर रहा हूँ, मुझे आती ना मैं बयान दे रहा हूँ, ये तो क्योंकि हम बैठे हैं तो कुछ दिल की बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सलाह हो जाए हमारी। देख ये बुजुर्गों के जूतों में बैठ कर सुनी बातें मैं आपकी खदमत पेश करता हूँ, आप मेरे दोस्त भाई हैं, अल्लाह ताला हमें मजीद इसमें तरक्की नसीब फरमाए। जिस तरह अल्लाह ने निशाने दिए जिस्म की फिक्र करते हैं, आज से हमने सोचना है कि अपने दिल की तरफ हम तवज्जो दें कि दिल मेरा बीमार है सेहतमंद है, क्योंकि ताल्लुक दिल से ईमान। तो देखिए कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह वालों ने कैसी कैसी रिसर्च की है, ये वो कंसल्टेंट हैं दिल की बीमारियों के जिन्होंने इसके इलाज किए, हकीम उलमत थानवी रहमतुल्लाह जो हाई क्लास कंसल्टेंट थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी बातें आप सुने पढ़ें हैरान हो जाएं आप किस तरीके से उन्होंने इंसान की सलाह के लिए कैसी खूबसूरत बातें की। देखिए हमें अब ये सोचना है कि हमें तजिया करना है अपना कि मेरा दिल बीमार है या किस दर्जे पे बीमार है, कोई क्रोनिक बीमारी तो नहीं लगी। मैंने बताया ना कि दिल की बीमारी ख़त्म कहाँ होती है, मौत से नहीं होती, ईमान से होती है। जो दिल की क्रोनिक बीमार होते हैं
जब इस दुनिया से जाते हैं अल्लाह माफ फरमाए, ईमान का मामला उनके साथ नहीं होता फिर, क्योंकि बीमार थे, इलाज ही नहीं किया। फसाद दो मजा था, कुरान कहता है कि अगर तुमने इलाज नहीं किया फिर कुलूब मर्द, तुम्हारे दिलों के अंदर अगर मर्ज पहुंच गया तो तुम उसको पड़ जाएंगे। इसी तो अल्लाह ताला की हिकमत यह है कि जिस्म पे जो बीमारी है उसी रखी है कि आदमी वक्त पे निशानी आ गई उसके इलाज करे। अगर बढ़ गई वो तो बीमारी बढ़ गई तो डॉक्टर कहते हैं हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कैंसर तो बहुत बढ़ गया है, होते ना समाज। तो ये जो दिल की बीमारी है रूहानी, उसका मामला तक जब उस स्टेज पे आदमी कहता है जी वो तो फिर जिंदगी का आखिरी वक्त होता है इंसान को, क्या बीमारी उसे ही करेगा। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, बहुत बुरा वक्त होता है। क्या निशानी है भाई दिल बीमार है? देखें अब हम अपना, हमें तो अपनी फिक्र करना है, क्या निशानी है हमारी। सबसे पहली निशानी आप देखें क्या है कि मेरा या आपका या किसी का भी दिल बीमार है या नहीं। एक हदीस है बुखारी की जिसका मफहूम है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम ने मुझसे कहा, वाले रवायत में एक हाथ पकड़ा है जिस तरह फरमाया आप कि अब्दुल्ला देख इस दुनिया में रहना है तो एक मुसाफिर की तरह रहना। लफ्ज परदेसी भी लिखा है तर्जुमे लोगों ने कि इस दुनिया में तुम्हें कैसे रहना है, परदेसी जैसे होते ना परदेसी मुसाफिर, उस तरह तो इस दुनिया के साथ तुम्हें गुजारा करना है। अब सबसे क्रोनिक बीमारी जो दिल की है वो क्या है, उसी की तरफ इशारा किया अल्लाह के नबी ने। सबसे बड़ी बीमारी जो इस दौर में तो खैर बहुत ही ज्यादा मादियत परस्त, वो है हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। सारी बीमारियों की जड़ क्या है? दुनिया की मोहब्बत। अल्लाह के नबी ने कितने खूबसूरती से बताया, एक स्टैंडर्ड दे दिया दुनिया की मोहब्बत का कि रहना है तुम्हें इस दुनिया के अंदर, लेकिन कैसे रहना है? मुसाफिर की तरह रहना है। अब मुसाफिर जो होता है खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, पहनता भी है, लेकिन वो किस तरीके से रखेगा, कितना खाएगा? मुसाफिर की हैसियत से खाता है, कहीं रुकेगा तो कैसे रुकेगा? मुसाफिर की हैसियत से रुकेगा, हो गया ना ऐसा। तो अल्लाह ने ऐसे खूबसूरत मिसाल दी मुसाफिर की, तुमने इस दुनिया के अंदर रहना है लेकिन कैसे रहना है कि जैसे कि एक मुसाफिर दुनिया के अंदर है, यानी उतना तुम्हारे पास सामान हो, उतनी खाना पीना हो, उतनी आसाइश हो, कि जैसे एक मुसाफिर को चाहिए कि कल तुम्हें चले जाने इस दुनिया से। तो स्टैंडर्ड क्या दिया? स्टैंडर्ड ये दिया कि हर मुसलमान इस तरह रहे कि वो फिक्रमंद ना हो, यानी यहां ये तसव्वुर नहीं है कि भाई दुनिया जो है कमाना मना है, जरूरत है, हम जिंदा हैं, दुनिया कमाना मना नहीं है, दुनिया बढ़ाना मना है। कमाएं आप, मैं भी कमाऊं, क्योंकि हमें खाना भी है, घर भी रखना है, बच्चे भी हैं, सब कुछ रखें, लेकिन इस तरह कमाएं कि जो आपके मेरी जरूरत के लिए हो, दुनिया बढ़ाएं ना। ये दुनिया उस वक्त दुनिया बनती है जब इंसान बढ़ाने की फिक्र में होता है, एक मकान दूसरा मकान, दो कमरे का तीन कमरे का, एक गाड़ी तीसरी गाड़ी, फलां फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री, जब ये चलना शुरू होता है ना मामला आदमी का, तीन जोड़े तो पाँच जोड़े, तो पाँच जोड़े तो दस जोड़े, ये खूबसूरत जूते वो ले लें, ये ख्वाहिश नफ्स जो इंसान की है ये बढ़ती चली जाती है इंसान की, और ये मोहब्बत हो भी दुनिया बन जाती है। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि जिस दिल के अंदर, अब ये देखें आदमी, ये पहली निशानी बताई है कि दिल बीमार है बड़ा सख्त, जिस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत ऐसी पाई जाए कि बढ़ाने वाली हो कमाने वाली ना हो। गुजर है अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, बीवी बच्चों का ख्याल हो रहा है, पढ़ाई की तरफ ध्यान हो रहा है, एक मुनासिब जिंदगी मिल रही है, कोई फिक्र उसको नहीं है इस चीज़ का भी। बढ़ती कैसे है? जिसने बढ़ानी होती है कर्ज उठाने, फिर उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए झूठ बोलना, गलत काम करना, किसी का हक मार लेना, फिर इससे भी आदमी बढ़ता है दुनिया कमाने के लिए अल्लाह के अहकाम को तर्क करना शुरू कर देना, नमाज छोड़ देना, दुनिया की तरफ ज़्यादा ध्यान हो जाना, बढ़ना ना दुनिया को बढ़ाना है, लेकिन ना कमाने का मामला होगा, बस पूरा हो गया हिसाब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना मुझे चाहिए, इतना मेरा हिसाब पूरा हो गया, इसमें इंसान की ना नमाज छूटेगी ना अल्लाह के अहकाम ख़त्म होंगे, जो फ़राइज़ हम पर अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं आदमी वो भी करेगा, काम वो भी साथ साथ करता चला जाएगा।
अगर इन दोनों में से हम बैलेंस करें हमारी जिंदगी में क्या चीज़ है, अगर बढ़ाने वाली चीज़ है तो सुभानअल्लाह निशानी पता है, फौरन उसका क्या करना चाहिए, इलाज। अल्लाह ताला ये तो मेरे अंदर बीमारी है, मैं इसका इलाज शुरू करूँ। दूसरी निशानी नेकी की तरफ तबीयत नहीं चलती इंसान की, नेक काम की तरफ तबीयत नहीं चलती, बोझ लगता है। कोई नेक काम इंसान के दिल पर बोझ सा लगना शुरू हो जाएगा, तबीयत में रगबत नहीं होगी। चलो भाई हम नमाज आए 5 मिनट हैं, दो रुकू पढ़ ले आदमी, नहीं करता दिल, बस नमाज है ठीक है नमाज पढ़ के चले जाए। कितना अल्लाह चांस दे रहा है कि देखें बैठे हैं 5 मिनट हैं, एक लफ्ज कुरान के मुझे बताएं उसका सवाब कितना बड़ा है। और सवाब की जगह है वो फॉर एवर के लिए है, वो बाकियात में से है, वो लिखा गया आपको, उसके निकी को मिटा नहीं सकता कोई आप। लेकिन तबीयत में मोहब्बत नहीं है इस चीज़ की, उगार नहीं, चलो ठीक है भाई कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, मराकबा कर लें दिल के अंदर, हाँ बंद करके जब आप बैठ के मराकबा करेंगे, आपके पास 3 मिनट हैं। अल्लाह की कसम बुजुर्गान कहते हैं कि 3 मिनट का मराकबा इतनी बड़ी कीमत है, उसकी दौलत को आप संभाल नहीं सकेंगे आखिरत में। 3 मिनट में आपने मुंह से नहीं दिल की जबान से जो अल्लाह कहा होगा, और एक दफा अल्लाह कहने का सवाब 70 गुना से ज्यादा है, किताबों में लिखा हुआ है। तो जब आंख बंद करेंगे आप इसके, तो फिर इस मराकबे की तो तारीफें बहुत हैं सवाब के लिहाज से, खामोशी कर रहे नहीं, तो जब इतना नहीं कर सकते आप, कुरान उठा सकते हिल नहीं सकते, तो आंख बंद करके आप सिर्फ मराकब हो जाएं। ये नहीं 2 मिनट में आप ऐसा लगेगा कि पता किस दुनिया में आप चले गए, तजुर्बा करके देखा। लेकिन उस वक्त जब दिल के अंदर नेकी की रगबत होगी, 5 मिनट पहले आ गए, 2 मिनट पहले आ गए, अल्लाह ने भेज दिया, इधर देखते रहे घड़ी देखते रहेंगे, पीछे मुड़ों के देखें कोई लेट आए कि नहीं, जब इतना नमाज क्यों नहीं शुरू हुई, बल्कि ऐसे वक्त आंख खुले आपकी मराकबे से कि जिस वक्त तकबीर हो रही हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको होश है कि ओ सूरज इमाम साहब आ गए नमाज पढ़ना है आपको। अच्छा ये कब होगा, अगर जब नेकी में हम दिल सही होगा तो जब ही सही होगा ना, आप क्या क्या खाने रख दिए जाए बहुत खूबसूरत किस्म के, आप उसी को खाएंगे ना जब आपका स्टोमक सही होगा, बहुत ज़्यादा सब कुछ रखा है, अगर पेट आपका खराब है कहेंगे नहीं शुक्रिया जज़ाकअल्लाह तबीयत नहीं करी मेरा, कहेंगे इसकी तबीयत खराब, पेट इसका खराब है, स्टोमक सही नहीं है, कुरान पढ़ा है सामने पढ़ा है लेकिन तबीयत नहीं कर रही पढ़ने की, मराकबे का पता है सीखा भी है, अल्लाह जानते भी कहने के दिल से अल्लाह को कैसे क्यों सीखा हमने, क्यों हमने ताकि अल्लाह का जिक्र सीखे, इसलिए कि वह जिक्र सीखे नहीं, इसीलिए कि कोई लम्हा हमारा जाया ना जाए, कोई लम्हा हमारा ना जाए, हर वक्त हम किसी ना किसी तरह मसरूफ रहें अल्लाह की तरफ रुझान रहे और हमारी मशीन अल्लाह की चलती रहे। माय मोमिन की क्या शान जिसको अल्लाह ने ईमान दिया हो कि वो 1 सेकंड भी जाया कर दे, इसीलिए अल्लाह का जिक्र सीखा जाता है कि कोई एक लम्हा भी हमारा जाया, कुल हया ने नबी हमारा फरत है आशीष सदीका, अल्लाह के नबी हर वक्त अल्लाह के जिक्र में होते थे, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में होते, क्यों, इसलिए कि मोमिन की शानी नहीं है कि एक लम्हा भी जाया करे, कैसे हो सकता है, कुरान पढ़ते थक गया, नफिल पढ़ते थक गए, ठीक है इंसान थक गया, लेकिन आंख बंद के मराकबा करते तो आदमी नहीं थकता, उसमें तो नींदें पूरी हो जाती हैं आदमी की, देखे ना, लेकिन क्यों नहीं करते, बीमारी है रगबत है क्यों नहीं खा रहे, पेट खराब है, दूसरी निशानी समझो बीमार है। तीसरी निशानी क्या है, नेकी की रगबत नहीं करती। चौथी क्या, बुराई में बड़ा मजा आता है, टेलीफोन पकड़े घंटे घंटे हम उसको देख सकते हैं, अभी ये कि मस्जिद से बाहर निकलते हूँ टेलीफोन फौरन जेब से बाहर आ जाते हैं कर ले, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं यही काम करता हूँ, कितनी कितनी बात है, अल्लाह मेरी सलाह कर दे आपके सामने ऐसे मिलके बातें करते, एक सेंस बनता है, पर अब मुश्किल से भी गेट से बाहर निकलोगे ठक पहले टेलीफोन निकलेगा, क्या हो चल रहे जा रहे हैं बेशक टक्कर लग जाए पौक में टक जाए, लेकिन वो टेलीफोन जो है उसको देख रहे जी, इतना जरूरी है काम सुभान अल्लाह, अल्लाह के बंदे जब बाहर निकल रहे हैं तो जिक्र इतना पक्का कर लें, जब आप होश सच चल भी रहे हैं तो दिल अल्लाह ही अल्लाह करता रहे, दिल अल्लाह ही कर ये, जब भी तो अल्लाह का जिक्र सीखते हैं कि किसी वक्त भी जो दिल है आप तजुर्बा करें, जब आपका दिल जारी हो जाए ना तो दिल आपको खुद अलर्ट करता है,
ये मैंने तजुर्बा किया है। जैसे हम बाहर निकले ना तो शैतान ने कोई धोखा दिए कि चलो भाई वो चीज़ फुल दिल आपके खटक से ऐसे लगेगा, आप महसूस करेंगे झटका लगता है, लगता नहीं लगता हम पूछने वो एकदम खत्म हो गया और फिर शुरू हो जाता दिल अल्लाह 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 फिर चलते जा रहे हैं बस दिल अल्लाह 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 करेंगे भाई। तो ये जब देखें कि ये काम नहीं हो रहा जनाब बुराई की तरफ तो वाह पूछे ना बस एक सेकंड में आप जितनी चाहे बुराई कमा लें इतने अब तो माशाल्लाह समात इतने हैं कि इनता है कोई नहीं। तो जब ये बैलेंस देखें आपकी निकी गर अगर नहीं बुराई की तरफ तो छलंग मार मार के भाग रहे आते जंप मार मार के जा रहे हैं बीमार है दिल दिल बीमार है। अल्लाह अकबर नेक सुबत ऐसा घबराएगा इंसान नेक सुबतों से नहीं 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 यार मुझे क्या हमने ये हमें जरूरत के हम कहाँ बात हमने हमने सुननी नहीं बात दिल बीमार है घबराहट आती है नेक सुबह से इंसान भागता है। अभी ऐलान हुआ देख कितना चलान किया हदीस भाई ने कि आओ भाई अल्लाह के जिक्र की मजलिस होगी। अब यहाँ अगर दिल ना बीमार होता सोचता ज़िलहज्जा जा रहा है शब जुमे आ रहा है जिंदगी फिर ज़िलहज्जा मिले ना मिले और ज़िलहज्जा की रात की शब की जो जुमे की शब है इसमें बैठ के दरूद शरीफ पढ़ेंगे हम फिर इतने अच्छे कलमात हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मराकबा करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये है कि उसके बाद फ़ौरन जो है दूसरी नमाज आ जाएगी ईशा की नमाज पढ़ेंगे। इतनी बड़ी दौलत इंसान इकट्ठी कर लेगा सिर्फ चंद घंटों के अंदर अभी अजान हो जाएगी ईशा बताएं खुदा की कसम इन लम्हात को हासिल करने के लिए कि आज शब जुम्मा है मैं जाऊंगा आधा घंटा मिलेगा ये सब बातें उसकी इतनी राहत महसूस करता है वो शख्स जिसका दिल सही हो बिल्कुल बीमार ना हो वो सुबह से इस लम्हात का इंतजार करता है कि शब जुम्मे मिलेगी या ज़िलहज्जा है बैठेंगे लोग बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे ऐसे ऐसे कलमात ला हौल वला कुव्वत इल्ला सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ऐसी रात में मेरे मौला मेरे आपकी जबान से कला रहा है वो कलमात जो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे महबूब तरीन कलमात हैं। अब सब तो छोड़ दें महबूब के बाद तो गुस्सा है ही दिल बीमार है तो निकल गए नहीं हम अभी नमाज पढ़ लीजिए ठीक है बताए ऐलान भी अल्लाह ही करवाता है अल्लाह ने उसको कहा उसने ऐलान कर दिया ताकि ये ना हो हुज्जत कायम है जितने बैठे हैं कल मैं रोज़े क़यामत में से पूछूंगे तुम्हें ठीक है इतना जरूरी काम क्या था तुम्हें क्या उजर था तेरा दिल बीमार था इसका साफ निशानी पता चलती थी कि जहाँ इतनी बड़ी खैरात तकसीम हो रही है मुझे बताएं भारी अभी बहुत बड़ी बात नहीं है भारी अभी यहाँ खड़ा होकर भाई खाना खा के जाएं जी बहुत अच्छी बिरयानी बनी है बाहर ना जाएं नमाज भी पूरी नहीं पढ़ेंगे लोग ताकि जगह ख़त्म ना हो जाए बिरयानी बंद ना हो जाए पहले नीचे जाएं पहले बिरयानी की एक प्लेट खा लें हम एक बिरयानी की कीमत और यहाँ तक क्या तकसीम हो रहा है इस वक्त आँख खुल जाए हमारी जो बुजुर्गान दीन से सुना है इस वक्त इस मजमे की ये कीमत है कि ज़मीन आसमान पर फरिश्तों का मजमा लगा होगा इतनी जगह भी नहीं होगी यहाँ के फरिश्ता जो है कहीं और जगह जा सके ज़मीन से आसमान तक फरिश्तों ने घेरा होगा इस जमात को चारों तरफ से घेरा होगा अल्लाह अपनी रहमतें बरसा रहा होगा दिल पे सकीने नाजिल हो रहे होंगे गुनाह ख़त्म हो रहे होंगे जब आप यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे पीछे मोहर लगेगी तुम बख्शे गए ये बीमारी छोड़ेगा ना तुम डिशेस ये डिशेस है ना पुलाव सरदा माल ये डिशेस हैं आखिरत की दिल बीमार है ना हमारा कितनी अच्छी निशानी देखिए बता दें अच्छा थी एक निशानी बड़ी मुख्तसरी सी बात फिक्र आखिरत नहीं होती ना कब्र का फिक्र ना मौत का फिक्र ना नज़ा का फिक्र ना उसका फिक्र कि आखिरत हम कितनी मुश्किल से इंसान की मौत निकलेगी कल मेरे साथ क्या होगा ना खौफ होता ना फिक्र आखिरत इतना फिक्र ज़रूर होगा कि अगर 10 पाउंड हमारी सेल कम हो जाए यार ये बताएं क्या हो गया आज कौन सा मेरा 10 पाउंड मैंने खुद सुना है मैं भी तो बिजनेस ही करता रहा हूँ यकीन करें कि पूछते थे भाई कैसी किस्म मज़ा नहीं आया जी इस क्रिसमस पर माशाल्लाह बैठे हैं बिजनेसमैन मैंने कभी किसी बिजनेसमैन को ये कहते नहीं देखा ये सारी बैठे मैंने कभी नहीं कहते देखा कि वो कहते अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छी बिजनेस मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में 30 साल मैंने बिजनेस किया 30-35 साल तो मैं अक्सर इंटरव्यू लेता था लोगों से किसी को नहीं देखा अच्छा फ़र्क क्या हुआ भाई मैं आज हिसाब लिया
लेकिन हैरान हो गया, मतलब क्या कितना फर्क है ना, 100 पाउंड का मैं पिछली किस्म से मेरा कितना 100 पाउंड और उस पर वो घर आ गए, मजा नहीं आया, क्रिसमस का लुत्फ नहीं है। बताया ये बीमारी है, फिक्र आखिरत नहीं होता इंसान में, कितने पे मैं बिस्तर बन, अब मैं जा रहा हूँ सोऊंगा, जिसको फिक्र आखिरत होगा वो सबसे पहले ये काम करेगा, यार मैं क्या अमल, किसी आलिम से हमने सुना, किसी मौलाना से सुना, किसी अल्लाह वाले से सुना, क्या कोई ऐसा अमल है कि जिस वक्त मैं सोने जाऊँ तो ऐसी कोई मैं बात कर लूँ कि अल्लाह मेरे आज के गुनाह माफ़ फरमा दे। बताते नहीं हमें कि जिस वक्त बिस्तर पर जाएँ तो 3 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ें, है ना, 3 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे आप तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। कितने लोग ये आखिर फिक्र नहीं, जब फिक्र होगा तो इतने आमाल अल्लाह ने बताए हैं, अल्लाह की किस्म अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया है ऐसा कि कोई मोमिन भी जो जहन्नम में नहीं जा सकता, इतने इंतजाम अल्लाह ने अपनी जहमतों के किए, बख्शिश किए इतने किए हैं कि आप सुबह से लेकर रात बेड पे जाने तक ऐसे छोटे छोटे आमाल दिए अल्लाह पाक ने कि जा ही नहीं सकता आदमी जहन्नम के अंदर, और जितने जाएंगे उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वजह इसकी क्या है, क्या वजह बता रहा हूं, बात मुझे समझे नहीं आप, क्या वजह इसकी, दिल बीमार है, तो जब दिल बीमार है तो वह रोते रहे बैठ के, आखिर इसका कोई अस्पताल भी होगा या नहीं होगा, इसके डॉक्टर होंगे या नहीं होंगे, इसकी दवाई कोई होगी नहीं होगी। लो मैं बताता हूँ आप, अस्पताल में एड्रेस देता हूँ आप, ठीक है, कंसल्टेंट मैं आपको बताता हूँ कौन है इसका, मैं नहीं कुरान बता रहा कुरान बताएगा आप, अस्पताल का नाम भी बताया अल्लाह ताला ने, कंसल्टेंट भी बताया और दवाई का नाम भी बताया। कौन सा अस्पताल है सबसे बड़ा, खानकाह जो है, खानकाह है ये दुरानी अस्पताल है, सबसे पहले खानकाह मदीने की बनी थी, साफ़ सबक सबक चबूतरा जो है वो सबसे पहली खानकाह है, सबसे पहली खानकाह अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ बैठते थे दरवेश अपने दिलों को साफ करते थे, उनके सब खाना क्या था, दीदार मुस्तफ़ा उनकी रोटी और पानी होती थी और अल्लाह का जिक्र करते थे। और देखें आप आज भी मदीने की शान, उस खानकाह की शान देखें आप, पूरे मदीने में आप घूमें मस्जिद नबी में तो मुनफरिद नजर आएगी आपको जगह, मुनफरिद नजर आएगी आपको। कभी आप वहां रमजान में जाए वहां तरावी पढ़ के देखिए आप, लोग तो एतकाफ भी करते हैं, मंदिर बिल्कुल मजा ही मुख्तलिफ होगा आपको, मेरा तो तजुर्बा यही है, पूरी मस्जिद में आप पढ़ें तरावी क्या रात गुजारें और उस जगह पे जाकर गुजारें, अल्लाह की किस्म टेस्ट ही मुख्तलिफ है। इसी तरह ये है कि जो अस्पताल में रूहानी अस्पताल जिनको खानकाहें कहा जाता है, तो सारे हमारे अकाबरीन ने खानकाहों से अपनी सफाई की है, सारों है या नहीं है, हमने उन्हीं से सीखी ना बात, तो क्या हम हॉस्पिटल है, खानकाहें हॉस्पिटल है, उसका कंसल्टेंट कौन है, अल्लाह वाले कंसल्टेंट है। और दवाई कौन सी है, जिक्रल्लाह, अब दरवाजा तो खुला है, अब हम देख लें हम कितने बीमार हैं, नहीं है तो अस्पताल का रुख करें, किसी कंसल्टेंट को पकड़ें और दवाई लेना शुरू कर दें। अल्लाह पाक मुझे हम सबको तौफीक नसीब करे। بسم الله الرحمن الرحيم وسلم تسليما دائما ابدا كثيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسلمنا اصلنا وشتنا خطانا عمدنا كل ذلك انت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث امين مولا اپنے فضل کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری صغیروں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اس بابا قطرات میں گھڑیوں میں میرے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے میرے مولا اپنے فضل کرم سے نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمارے تمام دلوں کی بیماریوں کو دور فرما دے یا اللہ کو سچا طبیب نصیب فرما دے اے میرے مولا ہمارے تمام نیک عملوں سے ہمیں محبت نصیب فرما دے یا اللہ ہمیں وقت ضائع کرنے سے بچا دے
शैतान नफ्स के शरूर से बचा ले, ऐ मेरा मौला तो अपने बंदा बना ले, या अल्लाह तो अपना महबूब बंदा बना ले, या मेरे मौला अपने फजल करम से जो भी आज तूने तेरे ही करम से जो बातें हमारे ज़बानों से निकली हमने सुनी मेरे मौला, उन पे हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, हमारे साथ की बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह जिन्होंने हमारी दुनियावी दीनी जो तरबियतें की मेरे मौला उनके दर्जातों को बुलंद फरमा दे, या अल्लाह हमारे सारे रिश्तेदारों को बख्श दे, या अल्लाह पूरी उम्मत को बख्श दे। ऐ मेरा मौला हर मुझी मराइज से बीमारियों से हमें निजात अता फरमा, या अल्लाह जिन लोगों ने मरीजों ने मेरा मौला अपनी सेहत के लिए कहा मेरा मौला उन्हें सेहत कामल हाजिर नसीब फरमा, या अल्लाह हमारे इल्म इज़ाफ़ा नसीब फरमा, या अल्लाह हमारे इल्म इख़लास नसीब फरमा, या अल्लाह हमारे अंदर मोहब्बत क़ुर्ब नसीब फरमा। ऐ मेरा मौला तो अपने हबीब के सदक़े से नबी करीम सन की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.